जयपुर के साक्ची स्थित महिला थाना में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला अपने पति को पीटते हुए थाने लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि अमित सिंह से इसी साल 10 जून को उसकी शादी हुई थी, मगर दहेज के लिए लगातार मारपीट कर और जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश के बाद ये कदम उठाया है। बता दे कि पत्नी एमकॉम की छात्रा है और ससुराल वालों से अलग रह रही थी, लेकिन पति आए दिन उसका पीछा करता था और वीडियो बनाकर उसे टॉर्चर कर रहा था। इसी के चलते थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पति को जमकर पीटा। तब से मेरे को परेशान कर रहा था, फॉलो कर रहा था, वीडियो बना रहा था, फिर हम सर लोगों को कंप्लेन किए तो नीचे भाग गया। फिर वीडियो डिलीट करके दिखा रहा है, नहीं सर हम कोई वीडियो नहीं लिए हैं, हम इसकी वाइफ, ये मेरी वाइफ है, हम इसके हस्बैंड है, हमको बस बात करना। तो सर बोले वो सब आप लोगों का फैमिली मैटर, आप लोग बाहर जाके ये कीजिएगा। उनको ये और इसकी माँ मेरे को जहर पिलाई थी, इसका बाप भी मिला हुआ है इन लोगों के साथ। ये लोग मेरे को 15 अगस्त से मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करके 26 सितंबर को जहर पिलाया, जान से मारेंगे, दूसरा शादी करेंगे, नहीं तो तेरा बाप से हम लोग पैसा मांगने बोल रहे, नहीं तो एक तो प्रॉपर्टी हम लोग के नाम कर रहे, यही सब है। छरीम सिटी कॉलेज से पकड़े हैं, वहाँ पर मेरे को फॉलो कर रहा था। 30 नवंबर को मेरे छोटा वाला भतीजा को 9:30 बजे घर से उठाया, हम लोग अपना भतीजा को बचाए और ये मेरे साथ, मेरे और मेरी मम्मी के साथ मारपीट किया। उस दिन भी इसका ब्लूटूथ वहाँ पे गिरा था, लेकिन तब तक ये भाग गई क्योंकि उस दिन मेरे घर में ना पापा थे ना मेरे भाई था, हम लोग बस 3-4 लेडीज़ लोग थे, लेकिन ये उस समय गाड़ी से निकल के भाग गया। लेकिन आज हम इसको पकड़े और पकड़ के यहाँ थाना में। अमित कुमार सिंह, कब शादी हुआ था? 10 जून को। कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा है? लड़ाई झगड़ा तो शादी के ही बाद से होने लगा, क्योंकि कमी है, ये है वो है, तुम्हारे पापा से हम लोग जितना मांगे थे उतना नहीं मिला, तुम सुंदर नहीं है, 50,000 कमाती नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है तेरा, और पापा से जितना मांगा गया तो उतना दिए नहीं तुम्हारा। शादी के बाद से ही पति और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर वे अपने मायके वालों के साथ रह रही थी, लेकिन उसका पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। फिलहाल महिला ने आरोपी युवक को कदमा थाना के हवाले करने की बात कही है। वैसे काफी देर तक महिला थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रही। घंटों हंगामे के बाद मामला शांत हुआ। कदमा थाना में केस की है, कंप्लेनेंट पूजा कुमारी, ये 498 का केस है। इसी दौरान ये कॉलेज आई थी, करीम सिटी कॉलेज, और वहाँ कहीं लड़का को पता चला कि करीम सिटी कॉलेज में लड़की एग्ज़ाम देने आई है, और वो आया, उसके बाद उसके साथ गलत हरकत करने लगा। तो वो अपने टीचर को बताई ये कॉलेज में, उसके बाद में सब स्टाफ मिल के वहाँ को पब्लिक मिल के पकड़ा, उसके बाद में अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया, मैसेज दी, सब पकड़ के यहाँ महिला थाना आया, लाया गया। इस मैटर में कदमा थाना प्रभारी से मैं बात की, उन्होंने बताया कि केस नंबर 189/19 में ये केस हुआ है, वांटेड है। पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने की खबरें तो हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन प्रताड़ित किए जाने पर पत्नी द्वारा पति की पिटाई की खबरें कम ही आती हैं। अगर महिला का आरोप सही है तो उसकी हिम्मत की प्रशंसा की जानी चाहिए। जमशेदपुर से न्यूज़ के लिए इंद्रजीत की रिपोर्ट।